ओके ओके, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। हाँ राइट 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 राइट, ओके ओके, ठीक है, डन, थैंक यू। हेलो एवरीबडी, आई एम श्योर आई एम लाइव। हेलो एवरीबडी, सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? हेलो जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू भाई। एंड थोड़ा सा लेट हुई आज फिर, सो सॉरी, बिकॉज कम से कम 10-15 मिनट जब तक इसमें लगा नहीं देती तब तक ये स्टार्ट ही नहीं होता है। तो जल्दी से भाई एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, मैंने खोल लिया है फ़ोन में, तो मैं दिखाई दे रही हूँ, बट अभी तक आपसे हाय हेलो की आवाज़ मुझे भी नहीं आई है। ठीक है एवरीबडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आवाज़ सबको ठीक ठाक आ रही है। प्लीज़ लाइव चैट में एक बार बता दीजिए कि हाँ सभी लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमें करना है, आज भाई हमें करनी है वोकैबलरी, और आज हमारी वोकैबलरी में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट? और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्ज़ाम में जो वन वर्ड्स आते हैं ना उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बड़े 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 वर्ड्स आते हैं। तो उन बड़े बड़े शब्दों को कैसे याद करना है वो हम लोग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 30 मिनट्स में 100 वर्ड्स, देखते हैं ये आज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आज याद कर लें। ठीक है, 100 वर्ड्स का मतलब है कम से कम 25 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 वर्ड्स हैं ना, राइट जी? चलो ठीक है, हाय राज, हाय कुमार, हाय भवेश, हाय कुलदीप, हाय हर्षित, रमेश, शिवम, रवि, शिवेन, रामनीक, आयुषी, सुलेंद्र, अश्वनी जी, क्रांति एंड ऑल, सबका ढेर सारा स्वागत है SSC अड्डा बाय अड्डा 24/7 पर राखी मैम की इंग्लिश की क्लास में। चलिए, सो सबसे पहली बात जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा होता है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द आपका कोई भी एग्जाम हो SSC का, बैंकिंग को छोड़कर, वैसे जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पर अधिकतर हमारे पास भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक बड़ी सी लाइन दी होगी या छोटी सी लाइन, उसके बदले में आपको दे रखे होंगे क्या 4 वर्ड्स। आपको बताना है कि कौन सा वो वर्ड है जो इस लाइन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। सबको पता है कि भैया ईद आ रही है, तो पहली बात तो जो रमज़ान है वो मुबारक है, आज है अलविदा जुम्मा, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो डियर ऑल, आपके लिए है 57% का डिस्काउंट। अगर अभी तक आपने बेहतरीन फाउंडेशन 2.0 का बैच नहीं लिया है तो ले लीजिए 57% डिस्काउंट से। ये ऑफ़र आपके लिए कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, मेरा कोड लगाएंगे Y172, याद तो हो गया होगा ना अब तक, है ना? चलिए तो शुरू किया जाए, लेके ऊपर वाले का नाम। ये है मेरा बैच SSC फाउंडेशन 2.0, जिसको शुरू किया गया है 19th of May से। इस बैच में आ जाइए अगर SSC के किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, बस कोड लगा देना Y172 ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए फटाफट से, और ये शुरू करते हैं। टाइमर आपके लिए लग चुका है कितनी देर का, 20 सेकेंड का। ठीक है, दोबारा लगाएंगे आपके लिए, डोंट वरी। एक सवाल आपको मिलेगा, उस सवाल के बदले में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको मिलेगा टाइमर। टाइमर के ख़त्म करने के पहले पहले आपको सवाल का सही जवाब बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम हमारा गया। ठीक है, क्या लिखा है सवाल में, लिखा है टू लिफ्ट और होल्ड समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, किसी भी भारी सी वस्तु को बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ उठाना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हैव, इसे कहते हैं श्रिम्प, इसे कहते हैं विम्प, या इसे कहते हैं रंट। क्या लगता है जी, क्या कहते हैं इसको, क्या लगते हैं भाई, क्या कहते हैं इसको? जी बिल्कुल विवेक, अभी स्पेशल क्लास आपको मिलेगी ना, संडे को मिलेगी 10 बजे। ठीक है, और हर एक क्लास स्पेशल है जहाँ भी आप कुछ नया याद करते हो। ठीक है, तो क्या लगता है, हैव, श्रिम्प, विम्प, रन। एक बात तो मुझे पता है कि यहाँ पे श्रिम्प तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्रिम्प तो श्रिम्प होते हैं, फिश तो नहीं होते, बट काइंड ऑफ होते हैं, और उसे लोग खाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे, खासकर मैंने चाइना की जो वीडियोज़ है वहाँ पर बहुत देखा है। सो मैं तो भाई वैसे शाकाहारी हूँ, पर मैं लोगों का मतलब होता है भारी, और हैव का मतलब होता है किसी भारी से सामान को, किसी हैवी से सामान को उठाने में जो बल लगाते हैं उसे कहा जाता है हैव। ठीक है, श्रिम्प जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिश फॉर श्रिम्प, मतलब यार एक प्रकार का नॉनवेज खाने का आइटम होता है। व्हाट इज विम्प, देखिए विम्प का मतलब होता है
fail to do or complete something as a result of fear or lack of confidence. किसी भी कार्य को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम जो वहाँ पर हतोत्साहित फील करते हैं उसको हम लोग wimp कहते हैं, ठीक है। मतलब courageous का just opposite. What is runt? Runt का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अपने आप को कम समझे, अपने आप को छोटा समझे या अपने आप को उससे कम बलवान समझे, उस व्यक्ति को runt कहा जाता है जी, ठीक है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सवाल नंबर दो की। आज का टारगेट हमें पूरा करना है, ठीक, कोशिश करना 30 से 40 मिनट में 100 वर्ड्स। चार वर्ड्स हमने देखे, क्या हैव जो कि हमने हैवी से याद कर लिया, श्रिम्प मैंने बताया एक नॉन वेज आइटम है, विम्प जब कोई फेल हो जाता है तो उसका जो साहस चला जाता है उसे विम्प कहते हैं, रंट जब एक व्यक्ति होता है जो दूसरे को अपने आप से ज़्यादा बलवान समझता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझता है, तो वो जो इन्फीरियर समझने वाला जो व्यक्ति है ना उसको रंट कहा जाता है जी, ठीक है। हाय हर्षित, बहुत सारा स्वागत है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइजेस रादर देन बाय यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं जी उस पॉलिटिकल रीडर लीडर को जो क्या करते हैं, जो लोगों का सपोर्ट लेता है, कैसे उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करके, ना कि इधर उधर की बातें करके, क्या कहते हैं उसको। देखिए 15 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें 10 सेकंड से भी कम मिलेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या प्रियंका जी, विम्प मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली राइट। जो जो लोग पहली बार आए हैं आपका ढेर सारा स्वागत है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कर दीजिए, और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके जी, लाइक हो गया, बहुत बढ़िया, शेयर हो गया, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब हो गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ लिया जाए। ओके जी, किशोर कुमार जी, ठीक है। ऋचा कुमारी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऋचा कुमारी के अलावा नैन्सी जी, वेरी गुड, एंड सौरभ जी, बहुत बढ़िया, राहुल वर्मा, वेरी गुड, दीप्ति, बहुत बढ़िया, शिवेन, वेरी गुड, योगेश, बहुत बढ़िया, एंड भाई क्या बात है, मतलब कमाल ही कर दिया भाई आज तो, मतलब छोरे छोरियों ने कमाल कर दिया, कैसे इतने सारे सही जवाब, और वैसे भी एक बार हमने इसको पढ़ा भी था, है ना भाई। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेमेगॉग। डेमेगॉग वो लीडर कहलाता है जो लोगों के डिज़ायर्स के हिसाब से काम करके उनका सपोर्ट पाता है, ना कि इधर उधर की फालतू की बकवास करके, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ रेबल? रेबल क्या होता है भाई? रेबल होता है रेबेलियन। रेबेलियन मतलब जो क्या करता है, जो बदला लेता है, गुस्सा करता है। सो रेबल, आपने देखा होगा वो साउथ की एक मूवी भी है, फलाना रेबल, है ना। व्हाट इज़ रेडिकल? रेडिकल आपसे कह रहा है कि भाई एक मेंबर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जो क्या करते हैं, जो दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को भाई जो मदद करते हैं। गाइज़ हमें आर्म्स करना है, आर्म्स मतलब भाई जो दूसरों को दान देते हैं। तो सो चैरिटी वाले जो नेता होते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं, उनको रेडिकल कहा जाता है। व्हाट इज़ अनार्किस्टिक? व्हाट इज़ अनार्किस्टिक, कोई मुझे बताएगा? नंबर डी, आप लोगों ने एनार्की सुना है ना सब लोगों ने, तो कोई मुझे बताइए कि एनार्किस्टिक वर्ड हमारा क्या कहलाएगा। देखते हैं कौन बताता है और कौन पढ़ रहा है इस लेवल तक कि जो हमें इस वर्ड के बारे में बता पाएगा, ठीक है जी, बताइएगा भी फटाफट से। हमने अनार्की वर्ड पढ़ा ना, अनार्की का मतलब क्या था? व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ अनार्की? अनार्की सख्त ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर कोई सरकार नहीं है। सो एनार्किस्ट वो होता है जो हर प्रकार के पॉलिटिकल लॉज, हर प्रकार के पॉलिटिकल डिसीजंस, ओपिनियंस को मानने से मना कर देता है। सो वर्ड कहाँ से आया? अनार्की से आया है। अनार्की बोले तो अराजकता, अराजकता बोले तो सरकार की अनुपस्थिति। तो जो इसको फॉलो करता है, जो इसको मानता है, उसे भाई अनार्किस्ट कहते हैं। एनार्किस्टिक उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इसको माना जाता है, ठीक है। अमन जी, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं। मोनार्की का मतलब है एक ऐसी सरकार जो एक मोनार्क के द्वारा चलाई जाए, और मोनार्क का मतलब होता है राजा या फिर रानी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले मोनार्की चलती थी, जहां पर एक समय पर एक ही राजा राज करता था। चलिए ये हमने कर लिए और चार वर्ड याद, चलते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ, आ जाइए नंबर थ्री पे। वेरी गुड अजीत यादव जी, बेहतरीन, आपके लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही आपने बताया। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, भाई कोई भी मेमोरी को याद करके जब कोई भी चीज़ आप रिपीट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी मेमोरी जब आपको याद दिलाए कि हाँ ऐसा पहले हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैराफ्रेज, उसे कहते हैं रेंडिशन, उसे कहते हैं यरुडिशन, या उसे कहते हैं रेसिटेशन। गाइज लाइक और शेयर करना है भाई सब लोगों को मिलके, फटाफट से एक बार सब लोग जल्दी से लाइक और शेयर करो, और 200 तक की लाइक्स पर जल्दी से एक बार पहुँचा दीजिए सभी लोग, ठीक है।
वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके जी, वेरी गुड। राइट, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास भाई, बहुत सारे जवाब हमारे पास आप लोग दे रहे हो और ज्यादातर जवाब मेरे पास है नंबर डी, मतलब रेसिटेशन आप लोग कह रहे हो। हाँ, नंबर बी मतलब रेसिटेशन आप लोगों का जवाब आ रहा है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कोई भी ऐसी मेमोरी जो हमें एकदम से याद आ जाए किसी भी काम को रिपीट करके। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम एरुडिशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो लेट्स चेक कि भाई कौन है जो हमें यहाँ पर सही जवाब दे रहा है। देखिए जी, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फोर जिसने भी हमें बताया है, रेसिटेशन इसका बिल्कुल सही जवाब है। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, हमारी याददाश्त से कोई भी काम हमें याद आ जाए और हम उसे रिपीट करें तो उसको रेसिटेशन कहा जाता है। व्हाट इज पैराफ्रेज, पैराफ्रेज आपसे कह रहा है अ रिवॉर्डिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन, मतलब जब भाई आप कोई भी कार्य करते हो, मतलब क्या कह रहा है, मतलब आपने कोई भी कार्य किया और आपको इसका रिवॉर्ड दिया गया रिटन या फिर स्पोकन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पैराफ्रेज कहते हैं। रेंडिशन, अ परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन, स्पेशली अ ड्रामेटिक रोल और पीस ऑफ म्यूजिक, जब कोई भी परफॉर्मेंस दी जाती है जिसमें ड्रामेटिक रोल होता है या फिर जहाँ पर म्यूजिक के जरिए कोई परफॉर्मेंस दी जाती है तो उसको रेंडिशन कहा जाता है। व्हाट इज एरुडिशन, एरुडिशन का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को पढ़ता है या उसकी बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त करता है, जिसे आप विद्वान या विद्वान बनना कहते हो। ठीक है जी, सो विद्वान लोग जो नॉलेज हासिल करते हैं ना, उनके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे भाई हम लोग क्या कहते हैं, एरुडिशन कहते हैं। ठीक है, राइट, चलिए नंबर फोर पे चलते हैं, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। वेरी गुड हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह जी बहुत बढ़िया। या एब्सोल्युटली राइट भाई, पैराफ्रेज इज यस रिवर्डिंग, दैट इज रिवर्डिंग नॉट रिवर्डिंग, मतलब किसी भी चीज को जब दूसरे शब्दों में लिखा जाता है। एब्सोल्युटली राइट, ओके जी, तो आपसे कह रहे हैं अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो लाइक पहले थी बट उसका ट्रेस ऐसा है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अ ट्रेस और रेमिनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मोमेंटो, वेरिएबल, ग्लिमर या फिर वेस्टिज, क्या होना चाहिए भाई इसका आंसर? मोमेंटो, वेरिएबल, ग्लिमर या फिर वेस्टिज, क्या लगता है भाई क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? या मोमेंटो तो आई थिंक भाई स्मृति चिन्ह को कहते हैं ना, सो स्मृति चिन्ह तो शायद इसका सही जवाब नहीं कहलाएगा। वेस्टिज, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिज, क्या बात है जी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फोर इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है एक ऐसा ट्रेस या एक ऐसा रेमिनेंट जिस जो अब डिसअपीयर हो गया हो, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मोमेंटो हम कहते हैं उस चीज़ को जो हमारा स्मृति चिन्ह होता है, जो हमें किसी भी चीज़ की बाद में याद दिलाता है, जैसे कि भाई आपको कॉलेज से मिला होगा, यूनिवर्सिटी से मिला होगा। फेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चमकीली ना हो, थोड़ी सी डल हो, ठीक है, वेवरिंग लाइट, वेवरिंग लाइट कैसी होनी चाहिए, फेंट होनी चाहिए। सो नंबर डी हमारा वेस्टिज जाएगा, अ ट्रेस और रेमिनेंट किसी भी चीज़ का जो अब हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए जी, आप इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए, किसी के बालों को अपने हाथ से अरेंज करना या डिसअरेंज करना, उसे क्या कहते हैं? ओके 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 ओके, तो क्या आंसर आ रहा है, आप लोग क्या बता रहे हैं?
नंबर भाई टाइम हमारा खत्म हो चुका है. टैंगल, क्रम्पल, रफल या फिर क्रीज. मेरा नेट नहीं चल रहा है, मुझे तो आपके कमेंट्स नजर ही नहीं आ रहे भाई. गाइज अभी तक हमारे 200 लाइक नहीं हुए, तो भाई एक बार सब लोग मिलके लाइक और शेयर कर दो यार एक बार. ऐसे क्या बात हो गई प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से एक बार सब लोग मिलके एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे सबको बुला लो भाई, सबको टेंशन होती है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के चैप्टर की. तो हम देखो इतने सारे वर्ड्स याद करें, तो एक बार फटाफट से सबको आवाज़ लगाओ कि ऐसा है भाइयों, आ जाओ जल्दी से पढ़ाई करते हैं, ठीक है. राइट, टैंगल बोलते हैं क्या, टैंगल करना, टैंगल करना, क्रम्पल करना है, रफल करना या क्रीज. अच्छा क्रीज तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं ना. क्रीज तो मुझे याद है जब बचपन में मेरे पिताजी कहते थे ना कि लो बेटा ये जो पैंट्स है इस पर प्रेस कर दो, इस पर आयरन कर दो, तो कहते थे ज़रा क्रीज अच्छे से बना देना. तो जो क्रीज कहते थे उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब होता था कि जो पैंट्स है ना उसको ढंग से पकड़ के उसके कायदे से आयरन करो ताकि उसकी क्रीज, उसकी प्लेट्स बन जाएं. तो एक वर्ड तो मुझे बचपन से याद आ गया कि जी हमारा ये आखिरी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टैंगल होगा. क्या टैंगल, बहुत सारे लोग टैंगल तो नहीं कह रहे, नहीं भाई टैंगल भी इसका आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि टैंगल हमारा बालों का रीअरेंजमेंट वाला फॉर्म नहीं देता है, वो तो चीज़ों को ट्विस्ट या कंफ्यूज करने वाला फॉर्म देता है. व्हाट इज क्रम्पल, क्रम्पल का मतलब होता है जब किसी भी कपड़े को हम लोग सिकोड़ देते हैं, तो सिकुड़न के बाद जो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं ना उसे क्रम्पल कहते हैं. और रफल होता है बालों को फलाना 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 करना और उनको डिसऑर्डर या उनको डिसअरेंज करना, ठीक है. जैसे कि बॉलीवुड के गानों में बहुत दिखाते हैं वो लोग रफल का बहुत प्रयोग करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब. बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर. टैंगल करना, चीज़ों को ट्विस्ट करना टुगेदर, ठीक है. जैसे कि जब समोसा बनाते हैं ना तो वो आटे को ऊपर से ऐसे ट्विस्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग टैंगलिंग बोलते हैं, ठीक है. क्रम्पल, क्रम्पल इज कपड़े को क्रश करना. ये वो वाला क्रश नहीं है आपके वाला, ये क्रश कपड़े को क्रश करने वाला है, ठीक है. क्रीज करना इज भाई किसी भी चीज़ में परफेक्ट लाइनिंग देना, किसी कपड़े पे या किसी पेपर पे. बचपन में नाव सबने बनाई है ना पेपर की, तो पेज की जो वो हम नाव बनाते थे उस पर हम लोग पहले क्रीजिंग बनाते थे, है ना. चलिए सवाल नंबर 6. लिखा है कि भाई कॉर्टियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, क्या सही जवाब होना चाहिए. प्लॉडिट, एडुलेशन, अर्बेनिटी या फिर प्रोफेनिटी. मंजीत याद हो जाएगा जब आप उसे रिपीट करोगे ना, तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए. कॉर्टियसनेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, ऑल राइट. सो सही जवाब क्या रहा है भाई, सही जवाब आ रहा है नंबर सी और नंबर डी, और कुछ लोग नंबर 2 को भी बोल रहे हैं. आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई हम जो सौजन्य से जो हम किसी के साथ पेश आते हैं, हम जो भद्र स्वभाव जो किसी के साथ दिखाते, एक होता है अभद्र एक होता है भद्र, तो उसे क्या कहते हैं. भाई देखो प्लॉडिट तो आपको कहां से याद करना है, अप्लोज से याद करना है. अप्लोज क्या होता है, अप्लोज होता है किसी के लिए भाई प्रशंसा देना, है ना. सो प्लॉडिट तो हमने वहां से याद कर लिया, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा कि किसी को प्रेज करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, ठीक है. एडुलेशन क्या हो जाएगा, एडुलेशन हो जाएगा जी हमारा किसी की चापलूसी करना. सो चापलूसी करना भी नहीं था. अच्छा अब हमारे पास वर्ड बचा क्या, एक तो प्रोफेनिटी और एक अर्बेनिटी. किसी को पता है कि अर्बेनिटी का मतलब क्या होता है, भाई अर्बेनिटी का मतलब यही होता है किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना. प्रोफेन क्या होता है भाई, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र होना, क्या होता है, अधार्मिक या फिर अपवित्र होना. तो भाई सही जवाब कौन सा लग जाएगा, सही जवाब हमारा लग जाएगा नंबर सी. प्लॉड कहाँ से याद कर लिया, अपलोज से याद कर लिया, मतलब किसी की तारीफें करना. एडुलेशन किसी की चापलूसी करना, ठीक है, राइट. एंड प्रोफेनिटी अपवित्र या फिर अधार्मिक होने को प्रोफेनिटी कहते हैं. अर्बेनिटी होता है किसी के साथ भद्र व्यवहार करना, किसी के साथ बहुत ही सौजन्य से पेश आना, ठीक है.
सो नंबर सी को लगा दीजिए करेक्ट आंसर और बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 7 पर. इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स. जब किसी भी कार्य में हमारी जो इच्छाएं हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, तो उस इन्वॉल्वमेंट को क्या कहते हैं? रिडाउट, स्क्रपुलस, इमेचुलेट या फिर सॉर्डिड. आप लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं बहुत सारे, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब इमेक्यूलेट होना चाहिए. ऑल राइट, अगर बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले वो रीड आउट की. सो रीड आउट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है अपने कैरेक्टर वाइज. ठीक है, स्क्रपुलस वो लोग होते हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कमियाँ निकालते रहते हैं या फिर मीन मेक निकालते रहते हैं. इन लोगों को हर चीज़ एकदम परफेक्ट मैनर में चाहिए. सॉर्डिड का मतलब होता है अराउजिंग मोरल डिस्टेस्ट एंड कंटेम्प्ट. जब किसी भी चीज़ में आप डिसलाइक दिखाते हो, आप लाइकनेस को नहीं दिखाते हो, तो उसको सॉर्डिड कहा जाता है. एंड एब्सोल्युटली करेक्ट जी, जो जो ऑप्शन नंबर सी को बता रहे थे, वेरी गुड. इमैक्यूलेट का मतलब ही होता है जब किसी भी एक्शन में, जब किसी भी काम में इमोरल या डिसऑनरेबल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई हमारा इसका करेक्ट आंसर. नहीं जी, बी हमारा इसका करेक्ट आंसर नहीं बन पाएगा, बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा. अच्छा, इसने हमसे क्या कहा? और वेट, इसने हमसे कहा कि भाई इमोरल, वेट गाइज, वेट, इमोरल था ना. सो इमोरल तो भाई डी ही लगाइए, सॉरी मैंने सोचा कि मोरल है. सो सॉरी गाइज, यस सॉर्डिड ही आएगा क्योंकि इमैक्यूलेट इज ऑपोजिट, इमैक्यूलेट इज टोटली मोरल और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छा. हमसे पूछा इमोरल ना, सो इमैक्यूलेट तो हमारा पॉजिटिव के लिए जाएगा एंड मोरल डिस्टेस्ट एंड कंटेप्ट. सो यस, ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डी इज मोरल डिस्टेस्ट. सो डिस्टेस्ट शुड बी हमारा इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शन और मोटिव्स, बिकॉज इमैक्यूलेट इज फॉर पॉजिटिव, इट्स फॉर नीट एंड क्लीन. सो मोरल एंड नीट गाइज, सो सॉरी, प्लीज ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिएगा हमारा करेक्ट आंसर. इट वॉज आस्किंग फॉर इमोरल, मतलब जिस चीज़ में त्रुटि हो, जिस चीज़ में बेकार चीज़ें हों. एंड सॉर्डिड हमारा डिस्टेस्ट, मोरल डिस्टेस्ट के लिए ही प्रयोग किया जाता है. सो नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. इमैक्यूलेट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. सो इमैक्यूलेट को आप इसके एंटोनियम के रूप में याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8. A symbol that serves as an emblem of a group or people. Right, बिल्कुल जी, बिल्कुल. नंबर सी इसका बिल्कुल हमारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, यस. आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे कह रहा है कोई भी चीज जो प्रतीक चिन्ह या वस्तु के रूप में प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं obelisk, उसे कहते हैं minaret, उसे कहते हैं मास्ट या उसे कहते हैं टोटम. ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार एग्जाम के पहले भी करवाया था. यस, ओबेलिस्क उसको नहीं कहते क्योंकि ओबेलिस्क का मतलब क्या होता है? पिलर होता है ना. टोटम कहते हैं. ऑलराइट, मिनारेट को तो आप मीनार से याद कर लीजिए. मिनारेट मतलब मीनार होगा. ठीक है, मिनारेट इज वेरी सिंपल टू लर्न. हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम इसको मीनार कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज एम्ब्लेम? एम्ब्लेम का मतलब होता है जी प्रतीक चिन्ह. ओबेलिस्क होता है कोई भी पिलर. अब बच्चे आपके पास मास्ट और टोटम. सो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बता रहे हैं आंसर ज्यादातर लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर नंबर बी को लगा दीजिए. तो आप लोग देख लो कि भैया बी तो इसका आंसर हमारा नहीं बन रहा है. सो बी हमारा इसका जवाब नहीं हो सकता. ठीक है बच्चे, हमारे पास सी और डी. तो चलिए सी और डी में से अगर हम चेक करें कि मास्ट हमारा क्या होता है, तो डियर ऑल मास्ट जो हमारा होता है ना, वो यूज़ होता है किसी भी शिप के लिए या किसी भी बोट के लिए. और ये ना एक लकड़ी का तख्ता टाइप होता है. ठीक है, जो कि शिप वगैरह में यूज़ किया जाता है. अब आपके पास एक ही जवाब बचा, कौन सा? नंबर डी, जिसको हम लोग टोटम कहते हैं. टोटम हमारा
किसी भी चीज़ का प्रतीक होता है, किसी भी चीज़ का एक चिन्ह होता है जो उस वस्तु की मेमोरी के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रतीक चिन्ह जिससे उसे याद किया जाए, उसके लिए हम लोग भाई किसका प्रयोग करते हैं, हम उसके लिए टोटेम वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नंबर 9, द वे इन विच अ सब्सटेंस होल्ड्स टुगेदर थिकनेस और विस्कोसिटी। हाँ बिल्कुल चेतन, उसका टॉप वाला पार्ट होता है, राइट। कर्पुलेंस, कंसिस्टेंसी, एक्सिजेंसी या फिर एक्सेल्टेंसी। और सबने सुना भी होगा ये, है ना, जितने भी आप लोग कुकिंग वाली वीडियोस देखते होंगे ना, नंबर ए और नंबर बी, यू श्योर कर्पुलेंस होना चाहिए सर इसका सही आंसर। भाई सबको पता है, अगर आप कभी भी कोई कुकिंग की वीडियो देखते हो ना, तो जब उसमें किसी भी चीज़ का बैटर बनाया जाता है, जब किसी भी चीज़ का घोल बनाया जाता है ना, तो घोल बनाने के लिए जो थिकनेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना, सारे के सारे शेफ क्या बोलते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब कि भाई वो कितना थिक बना है और कितना पतला बना है, ठीक है। जैसे डोसे का जो बैटर बनाते हैं उसकी थिकनेस को क्या कहते हैं, उसे कंसिस्टेंसी, उसकी पतली होनी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। व्हाट इज कॉर्पुलेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग फैट मतलब ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब भाई मोटापा जो होता है ना, उसे कॉर्पुलेंस कहा जाता है। व्हाट इज एक्सिजेंसी, जब इमरजेंसी से भी एक्स्ट्रा स्टेज होती है तो उसे एक्सिजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी से भी ऊपर वाली स्टेज को एक्सिजेंसी कहा जाता है। एक्सल्टेंसी क्या है, जब कोई जीत के बाद या किसी भी बड़ी खुशी के बाद जो खुशी वाली फीलिंग होती है, किसी भी खुशी को पा लेने या किसी भी अपने ड्रीम को पूरा कर लेने के बाद की जो फीलिंग होती है उसको एक्सल्टेंसी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेक्शन वाली जो के बाद की जो फीलिंग होगी ना, उसे आप लोग एक्सल्टेंसी कहोगे, राइट। ओके राहुल, डोसा का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। नंबर 10, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। इट्स ओके कलन जी, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप दो नंबर से आईबीपीएस में रह गए तो कोई जॉब नहीं मिलेगी। आप तो दो नंबर से रहे, उनके बारे में सोचे जो सिर्फ 0.25 से रहते हैं ना, तो शायद सबसे ज़्यादा दुख तो उनको होता होगा ना। और ज़रूर आपके लिए कुछ बेहतर ऊपर वाले ने प्लान किया होगा, इसलिए शायद आज आपको एक जो रास्ता था वो आपके लिए बंद कर दिया है। बट डजंट मीन कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक है। सो दोबारा से तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, देखिए क्या होता है ना, जब कभी भी दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है तो वो एक पर्सन को चुन लेते हैं कि वो उनकी पूरी बात को सुनेगा, और बात को सुनने के बाद वो अपनी ओपिनियन के हिसाब से एक क्या देगा, एक डिसीजन देगा। और वो जो पर्सन होता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्बिट्रेटर कहते हैं। और आर्बिट्रेरी, उसका जो रैंडम एक डिसीजन है उसको हम लोग भाई आर्बिट्रेरी कहेंगे। ऑक्सिलरी तो सबको पता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है भाई, सहायक क्रियाएँ होती हैं। सो ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी होता है सहायक, मतलब हेल्पर। व्हाट इज एलिगरी एंड व्हाट इज एम्बुलेटरी, अच्छा यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि भाई एम्ब्यूल का मतलब क्या होता है? एम्ब्यूल का मतलब तो एम्बुलेंस होता है, एम्ब्यूलेंस तो चलती है, और एम्ब्यूल का मतलब हमेशा वॉकिंग से होता है, ठीक है। व्हाट इज एलिगरी, अ स्टोरी, पोयम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल। तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाई हम एलिगरी कहते हैं। जब कोई भी कथा या कोई भी पोयम या कोई भी पिक्चर किसी भी मोरल या पॉलिटिकल मैटर को रिवील कर रही होती है। सो आर्बिट्रेरी वॉज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत सारे लोगों ने दिया था। वेरी गुड एवरीबडी, शाबाश। अगला सवाल नंबर 11, फियर ऑफ डस्ट।
ब्रजेश कुमार जी खूब सारी पढ़ाई करें, अच्छी हो जाएंगी इंग्लिश, ठीक है। फियर ऑफ डस्ट को भाई क्या कहते हैं, अमेक्सोफोबिया, अमेथोफोबिया, एगेटोफोबिया या फिर एम्ब्युलोफोबिया। हेलो अभय प्रताप जी, नमस्ते। इट्स ओके अमनिल, डोंट वरी, अगली बार जरूर हो जाएगा। सो फियर ऑफ डस्ट, नंबर डी यू मीन एम्ब्युलोफोबिया, श्योर। नंबर सी मतलब एगेटोफोबिया। अच्छा, सबको पता है कि भाई फोबिया का मतलब डर होता है ना, और दुनिया में बहुत सारे फोबिया हैं, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो सबके भाई अलग अलग फोबियाज हैं। चलिए, इसका जवाब था भाई अमेथोफोबिया। अमेथोफोबिया वो डर है जब लोगों को धूल मिट्टी से डर लगता है, ठीक है, खासकर लड़कियों में पाया जाता है। अमेक्सोफोबिया होता है भाई जब लोगों को वाहन चलाने से डर लगता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। सो अमेक्सोफोबिया, जिन लोगों को वाहन चलाने से डर लगता है कि वो कहीं मर ना जाएं। एगेटियोफोबिया होता है जब कोई भी व्यक्ति को इंसेनिटी का डर लगता है कि वो पागल ना हो जाए, वो इंसेन ना बन जाए। एम्ब्युलोफोबिया, जैसा कि अभी पिछले शब्द में भी आया था, देखिए यहाँ पर भी आपके पास एम्ब्युलेटरी आया था और मैंने आपसे बताया था कि एम्ब्यूल का मतलब हमेशा वॉकिंग से होता है। वो लोग जिन्हें पैदल चलने का डर लगता है, किसी भी जगह पर घूमने के लिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत चलना पड़ेगा, उन लोगों को एम्ब्युलोफोबिया की प्रॉब्लम होती है जी, ठीक है। सो नंबर बी वॉज द करेक्ट आंसर, अमेटोफोबिया। चलिए अगला सवाल, नंबर 12, क्रेज फॉर स्टाम्प कलेक्शन। हाँ रुचि कुमारी, ये सब में पाया जाता है, गर्ल्स में खासकर। अजीत, थोड़ा सा तो है बट डोंट वरी। हाँ वायरस पटेल, दुनिया में लोगों को अलग अलग प्रकार के डर हैं, राइट। सो क्रेज फॉर स्टाम्प कलेक्शन, वो लोग भाई जो बहुत स्टाम्प्स को कलेक्ट करके रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्यूटोमेनिया, टोमोमेनिया, ट्यूलिपोमेनिया एंड टिम्ब्रोमेनिया। मेनिया क्या होता है, मेनिया होता है जी आदत, ठीक है, और मैनिएक क्या होता है, मैनिएक होता है जो उस आदत से बहुत ज़्यादा ही अपना दिमाग ख़राब कर लेता है ना। सो वो लोग जिनको स्टैम्प कलेक्शन की बहुत आदत होती है, क्या बताओ, नंबर सी जी। संध्या, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ बट रीजनिंग वाले सिर्फ सवा दस तक पढ़ाते हैं बच्चे, तो इसलिए दिक्कत है, ठीक है। सो नंबर ए और नंबर सी, लेट्स चेक किसका आंसर करेक्ट है। तो नहीं जी, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं गाइज, टिम्बर से याद कर लो, टिम्बर से, ठीक है, टिम्ब्रोमेनिया टिम्बर से याद कर लीजिए। हमने याद कर लिया कि भाई टिम्बर से बनी है स्टैम्प्स, और टिम्ब्रोमेनिया जिनको होता है उन लोगों को स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की आदत होती है। लोगों में बहुत सारी आदतें होती हैं, बचपन में हम लोग पेंस बहुत सारे कलेक्ट करते रहते थे, बचपन में कॉइन्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक़ होता था, किसी को नोटों को कलेक्ट करने का शौक़ होता था। वॉट इज टियोटोमेनिया, समबडी ऑब्सेस्ड विद जर्मेनिक कल्चर एंड पीपल। वो लोग जो जर्मनी के कल्चर और लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, वो लोग क्या हैं भाई, वो लोग टेटोमेनिया कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोमोमेनिया, टोमोमेनिया जो लोग सर्जरी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, और ये हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस में पाया जाता है जिन्होंने ढेर सारी सर्जरीज करा रखी हैं। व्हाट इज ट्यूलिपोमेनिया, अच्छा ट्यूलिपोमेनिया वैसे जनरली होता नहीं है, ये ना बहुत समय पहले की बात है। तो पता है जो ट्यूलिप का फ्लावर होता था ना, तो उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो एक समय पे ऐसा होता था कि ट्यूलिप के फ्लावर की जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ जाती थी एक पर्टिकुलर मौसम में, और ट्यूलिप का जो प्राइस था वो बहुत बढ़ जाता था। तो उस वक्त ना लोगों को क्या हो जाता था, लोगों को ट्यूलिपोमेनिया हो जाता था। तो ये कोई ग्रामर की टर्म नहीं है। अब जैसे भाई हमारे यहाँ पे प्याज का भाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, तो लोगों को क्या हो जाता है, लोगों को अनियन मेनिया हो जाता है, प्याज भी चाहिए और महंगी भी बहुत है। तो इस प्रकार से हमारी ये टर्म बन गए ट्यूलिपोमेनिया, ठीक है। टिम्ब्रोमेनिया था हमारा इसका करेक्ट जवाब। चलिए अगला देख लिया जाए, अगला देखिए, मेनिया फॉर मेकिंग परचेजेस। अभी तो बहुत सारे हैं, गाइज एक बार लाइक और शेयर करना है भाई सबको, ठीक है। सो
सो 300 लाइक्स का टारगेट करते हैं ना। ओके जी, सुधांशु जी थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, भगवान करे जल्दी आपका सिलेक्शन हो। यस सेगा स्टोन जी एब्सोल्युटली जी बिल्कुल। कुमार सूरज जी आप बिल्कुल इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की मूवीज़ गाने वगैरह सुनिए, जो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलरली करते रहिए। लिखा है मैनिया फॉर मेकिंग परचेजेस, भाई वो लोग जिनको बहुत सारी खरीदारी की आदत होती है उन्हें क्या कहते हैं। नंबर ए और नंबर बी को जा रहे हैं हमारे बहुत सारे आंसर, चलिए चेक करते हैं। तो अगर जो हमारा पहला वर्ड है भाई एनोमेनिया, एनोमेनिया क्या होता है, जिन लोगों को वाइन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है ना वो लोग इस क्या यूज़ करते हैं भाई, एनोमेनिया का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ओनोमेटोमेनिया, ओनोमेटोमेनिया होता है जिनको वर्ड्स और नाम को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। माना कि भाई किसी के यहाँ पे बेबी होने वाला है तो वो बहुत सारे नाम देखता है, 40-50 देखता है, या किसी का नाम रखता है या अपने नाम के बारे में सोचता है। तो जिनको वर्ड्स और नेम्स के प्रति एक एबनॉर्मल ऑब्सेशन हो जाता है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको एनोमेट। तो आपने जी देखो नॉम है ना, नॉम एक्चुअली देखो जो वर्ड है ना नॉमिन है, नॉमिन, नॉमिन से क्या है, नॉमिन से आया है नाउन, और नाउन का मतलब होता है नेम, सबको पता है ना ये बात। तो नॉमिन एक ग्रीक वर्ड है, नॉमिन ग्रीक, नॉमिन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है नाउन, ठीक है, और नाउन का मतलब होता है नेम। व्हाट इज ओनियोमेनिया, सो ओनियोमेनिया था जी जिन लोगों को खरीदारी की बहुत गंदी आदत हो जाती है। ओपियोमेनिया, एन एडिक्शन टू ओपियम, एन एडिक्शन टू भाई ओपियम, जिन लोगों को ओपियम का एडिक्शन हो जाता है उन लोगों के लिए यूज किया जाता है भाई क्या हमारा वर्ड ओपियोमेनिया, ठीक है। हाँ ओपियन एक प्रकार के कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। चलो नंबर 14, फियर ऑफ वॉइड्स, ब्लैंक एम्प्टी स्पेसेस का डर क्या कहलाता है भाई। रश्मि कुमारी डीआरडीओ एमटीएस में इंग्लिश थोड़ी आसान आती है, ठीक है। हाँ तारा सिंह किसी भी चीज का ऑब्सेशन अच्छी बात नहीं है, पता है चीज क्या बुरी है, जो हद से ज्यादा हो जाए, हर पॉजिटिव चीज खराब हो जाती है ना। रोहित सूद जी थैंक यू सो मच, गाइज एवरीबडी शेयर कर दो भाइयों, एक बार सब लोग मिलके जल्दी से शेयर कर दो। लिखा है फियर ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स मतलब ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली स्थान, तो भाई एम्प्टी स्पेस का जो डर है वो क्या कहलाता है, चलिए ठीक है चेक करते हैं। उसे कहते हैं ओकोफोबिया, उसे कहते हैं केनोफोबिया, उसे कहते हैं टोपोफोबिया, या उसे कहते हैं कैकोफोबिया। देखो कैको वर्ड को हमेशा याद रखो, दिस इज फॉर अगली, राइट चलिए ठीक है चेक करते हैं भाई। देखो ओकोफोबिया इज जिनको ऑटोमोबाइल्स से डर होता है, ऑटोमोबाइल्स मतलब भाई बाइक स्कूटर कार्स, उन लोगों को ओकोफोबिया होता है, ठीक है। कैनोफोबिया क्या होता है, कैनोफोबिया जिन लोगों को खाली स्पेस से डर लगता है, सो नंबर बी था हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज टोपोफोबिया, फियर ऑफ सर्टेन प्लेसेस, जो भाई कुछ सर्टेन सिचुएशंस या कुछ जगहों से डरते हैं। माना कि भाई आपकी सिस्टर है वो जब भी मतलब हॉस्पिटल की तरफ जाती है वो डर जाती है, या जब भी वो क्राउड वाली जगह में जाती है डर जाती है, तो मतलब जिसको कुछ सर्टेन प्लेसेस का डर होता है उसके लिए टोपोफोबिया यूज होता है। व्हाट इज कैकोफोबिया, जिन लोगों को बदसूरत चीज़ों से डर लगता है उनको कैकोफोबिया होता है, या जिनको बदसूरत होने से डर लगता है कि मेरी सुंदरता कम ना हो जाए उन लोगों को कैकोफोबिया होता है, ठीक है। सवाल नंबर 15, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्कूल या कॉलेज के फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है। जी विनोद कुमार बिल्कुल, इतना अच्छा काम आप करने को बोल रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। नहीं नहीं यश, वॉइड्स उसी को कहा जाएगा जो मतलब जिसको खाली जगह का डर लगता हो, ठीक है, एम्प्टी स्पेस का। तो भाई उसे बायर कहते हैं, बंटिंग कहते हैं, बिलियन कहते हैं, या फिर बर्सर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। जी माइकल, जैसे बच्चों को स्कूल जाने से लगता है। नंबर टी, यू मीन बर्सर। हाँ कोरोना फोबिया तो आजकल चल रहा है भाई।
बायर। नहीं जी, बर्सर बिल्कुल सही जवाब था आपका, बिल्कुल सही। बर्सर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कॉलेज या स्कूल के मुंशी जी होते हैं, मतलब जो वहाँ के सारे कैश या सारे फाइनेंशियल चीज़ों का ध्यान रखते हैं। व्हाट इज़ बायर? अ काउ शेड, जिसे हिंदी में गौशाला कहा जाता है। व्हाट इज़ बंटिंग? बंटिंग एक पक्षी है, एक प्रकार की बर्ड है। व्हाट इज़ बिलियन? बिलियन होता है जब कोई भी गोल्ड या सिल्वर बल्क में जाता है कॉइन के बनने के पहले, तो उसे बिलियन कहा जाता है। जब गोल्ड या सिल्वर बल्क में जाता है कॉइन के बनने से पहले, किस लिए? ताकि इसका वजन नापा जा सके, ठीक है। तो बिलियन में भेजा जाता है, मतलब बल्क में भेजा जाता है, या तो सोना या चांदी, ताकि उसका वजन मापा जा सके। चलिए सवाल नंबर 16। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर वन अ फ्यू आर नेसेसरी, ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। सरकम लोकेशन, सरकम स्पेक्शन, सरकम स्क्रिप्शन, सरकम वेंशन। आर्ता वेरी गुड। मतलब भाई इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको वर्बोज कहते हैं। एक्चुअली वर्बोज वो सेंटेंस होता है जहां पर आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये कुछ उसी प्रकार का ही है। नंबर वन, मतलब सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट जी, सरकमलोक्यूशन बिल्कुल सही जवाब है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, जरा से शब्दों की जरूरत है लेकिन आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसको सरकम लोक्यूशन कहा जाता है। व्हाट इज सरकम स्पेक्शन? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, जब आप रिस्क को लेना नहीं चाहते। सरकमस्क्रिप्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ समथिंग विद इन लिमिट्स, जब किसी भी काम को करने के ऊपर आपके पास बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। सरकमवेंशन, द एक्शन ऑफ ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, टिपिकल इन अ क्लेवर और सरप्टिशियस वे। सरकमवेंशन, जब किसी भी लंबी प्रॉब्लम से आप बहुत चतुराई से निकल जाते हैं या आप उससे ओवरकम कर लेते हैं, तो उस एक्शन को सरकमवेंशन कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस, नफरत को क्या कहते हैं? हेट का सिनोनिम क्या है इनमें से? अवर्जन, एंटीपैथी, अपैथी, डिस्पेयर। सागर जी, मेरी इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से। बिल्कुल भाई, इस साल एग्जाम जरूर होंगे, ऐसे क्यों आप टेंशन ले रहे हो? आईबीपीएस का देखो रिजल्ट आ गया है ना, तो अब पेपर भी जरूर होंगे सबके साथ, है ना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग अवर्जन कह रहे, भाई अवर्जन का मतलब होता है ना पसंद करना, लेकिन अवर्जन आपका दुश्मनी को नहीं दर्शाता है। सो अवर्जन किसी भी चीज को डिसलाइक करना, बट एंटीपैथी का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी के विरोध में होते हैं। अपैथी का मतलब होता है उदासीन, जब किसी भी चीज़ में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। डिस्पेयर, द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, जब आपकी जो सारी आशाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप बिल्कुल ही निराश हो जाएं, तो उसको डिस्पेयर कहा जाता है, ठीक है। सो नंबर बी इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गौरव शर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, क्या कहते हैं उस सरकार को? फेनेटिक, सेक्युलर, कैथोलिक या फिर प्रोग्रेसिव। गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, क्या कहते हैं भाई? सेक्युलर, कैथोलिक, नहीं कैथोलिक तो शायद नहीं कहेंगे, प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं होगा। यश, अवर्जन का ऑपोजिट हो जाएगा लाइक, या फिर कोई भी चीज़ जिसे पसंद किया जाता हो, ठीक है, लव। देखिए भाई, सेक्युलरिज्म कहते हैं, सेक्युलर का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जहाँ पर सारे के सारे रिलीजियंस को क्या दिया जाता है, भाई सम्मान दिया जाता है। फैनेटिक, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा किससे सिंगल माइंडेड, जील, उत्साह से भरा हुआ हो। कैथोलिक,
इंक्लूडिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स लाइट. प्रोग्रेसिव तो आप जानते हैं मतलब भाई कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रोग्रेसिव मतलब भाई कॉन्टिन्यूअस है ना. सो नंबर बी हमारा हो जाएगा सेक्युलर, जहाँ पर कोई ऐसी सरकार जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है. सवाल नंबर 19, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी. जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट. किडनी के स्पेशलिस्ट ऑल राइट. नेफ्रोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर वन एब्सोल्युटली करेक्ट. जो लोग किडनी के डिजीज को क्योर करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. बिल्कुल सही भाई. देखो ऑर्थोपेडिस्ट जो बता रहे हैं, ऑर्थो का मतलब हड्डियां होता है, ठीक है. सो ऑर्थोपेडिस्ट हमारा इसका जवाब नहीं बन सकता है, ठीक है. वो क्या करते हैं भाई, वो लोग हड्डियों के साथ जो हमारा जो मसल सिस्टम जो होता है उसके साथ वो लोग डील करते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं, ठीक है. पीडियाट्रिस्ट क्या होता है, जो फुट और एंकल की जो सर्जरी करते हैं ना वो लोग क्या कहलाते हैं भाई, वो पीडियाट्रिस्ट कहलाते हैं, ठीक है. मतलब पैरों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड ऑन्कोलॉजिस्ट भाई जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट करते हैं ना उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. ऑन्कोलॉजी वो स्टडी होती है जिसमें कैंसर के क्योर के बारे में पढ़ा जाता है. सवाल नंबर 20, एक ऐसा शब्द जो अब यूज में नहीं है. एक ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है क्योंकि उसका स्थान नई वस्तु ने ले लिया है, मतलब अप्रचलित कह दो आप एक प्रकार से, ठीक है. राइट. जैसे गाने सुनने के लिए पहले आप किसका प्रयोग करते थे, पहले भाई हम लोग रेडियो का प्रयोग करते थे, वॉकमैन का प्रयोग करते थे, बट अब इन सब की जगह किसने ले ली है, मोबाइल फोन ने ले ली है ना, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है. राइट. जील का मतलब उत्साह होता है कपिल जी, ठीक है. सो क्या सही जवाब हो जाएगा भाई इसका, ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब एक ऐसी चीज़ जो क्या हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, जिसकी जगह किसी और चीज़ ने ले ली है, ठीक है. नंबर बी एक्सटेंट, कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी एग्जिस्ट करती है. सो एक्सटेंट इसका हमारा ऑपोजिट हो जाएगा. आउटडेटेड एंड नर्वस आप लोग जानते हो, आउटडेटेड जो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है, एंड नर्वस का मतलब होता है जब हमारा जो दिमाग होता है वो शांत नहीं होता उस वक्त पर, और हम नर्वस फील करते हैं, डर महसूस करना. सवाल नंबर 21, अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है. नौ सीखिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है. नंबर 1, 2, 3 या 4, बिल्कुल सही बात है भाई. ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा. नोवाइस का मतलब क्या होता है, नोवाइस इज एब्सोल्युटली न्यू, जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है और जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नया है, ठीक है. नूब, हाँ नोवाइस इज द करेक्ट आंसर, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड. फोरमैन, देखिए फोरमैन का मतलब होता है भाई सुपीरियर, ये कौन है, नया, जिसको अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है. सुपीरियर को कहते हैं भाई फोरमैन. सुपरवाइजर आप लोग जानते हैं भाई, जो सुपरवाइज करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं. अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो क्या करते हैं भाई, जो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है. चलिए 22, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, समुद्र के द्वारा जो लंबी यात्रा की जाती है उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट, वॉयज, ओडिसी या फिर सफारी. राइट. नूब या रुकी, वेरी गुड रेणु उपाध्याय, बहुत बढ़िया. वेट बिहाइंड द ईयर्स, यस इट्स एन idiom.
राइट तो भाई देखो फ्लाइट तो बिल्कुल नहीं कि भाई फ्लाइट तो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, बट यस वॉयज हम लोग समुद्री यात्रा के लिए यूज करते हैं, वो भी खासकर कैसे जब भाई यात्रा हमारी लंबी होती है. ठीक है ओडिसी, एक मिनट. ओहो आंसर आपको पहले ही मिल गया था, है ना, दो वर्ड के मीनिंग तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना. ओडिसी इज लॉन्ग जर्नी और सफारी आप जानते ही हैं, जब हम किसी भी जो क्या होती हैं जो नेचुरल हैबिटेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई जो जंगल वगैरह होते हैं, जब जहाँ पर हम लोग वहाँ पशु वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड स्पेशली उन्हें देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग सफारी कहते हैं. तो आपको आंसर तो यहाँ ऑलरेडी लिखे ही पड़े थे. चलो ठीक है, सवाल नंबर 23. अ पर्सन हु केयर्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, क्रिमिनल, असैसिन, मर्डरर या फिर हैंगमैन. वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया. विष्णु डेली कम से कम 10 वर्ड्स याद करो और उन्हें यूज भी करने की कोशिश करो. ठीक है, नहीं हैंगमैन वो होता है जो जल्लाद होता है, जो फांसी देने का जो काम करता है ना, जिसको कहा जाता है कि भाई फांसी देनी है, जिसको हम लोग जल्लाद कहते हैं. ठीक है, यस एब्सोल्युटली अमन झा वेरी गुड, कि एसएससी हमारा करेक्ट आंसर होगा. राज शाकिया जी वेरी गुड, नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब है. क्या एसएससी वो जो जो पॉलिटिकल कारणों की वजह से किसी का मर्डर कर देता है. ठीक है, क्रिमिनल आप जानते हो, मर्डर आप जानते हो, हैंगमैन जो क्या करता है, जो भाई फांसी देता है. ठीक है, सवाल नंबर 24. अ पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, मतलब पैरेलली, उसे क्या कहा जाएगा. समकालीन, समकालीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समकालीन. एब्सोल्युटली राइट भाई, उसे हम लोग कंटेम्परेरी कहते हैं. कंटेम्परेरी का मतलब होता है पैरेलल, मतलब भाई जो दो चीजें एक ही वक्त पर होती हैं, एक ही टाइम पे जब दो चीज़ें होती हैं तो उसको कंटेम्परेरी कहा जाता है. राइट, बिल्कुल सही भाई. देखो कोरोलरी क्या होता है, फॉर्मिंग और प्रपोजिशन दैट फॉलोज फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूव, जब कोई भी चीज़ पहले ही प्रूव की जा सकी है, की जा सकी है, उसके बाद उस चीज़ को फॉलो करने को कोरोलरी कहा जाता है. आपको पता है एक्सेसरी क्या काम करती है. एक्सेसरी भाई किसी भी ड्रेस के साथ हम लोग पहनते हैं या किसी भी चीज़ को, वो क्या काम करती है, वो उसको डेकोरेट करने का काम करती है, या चीज़ों को ऐड करना उनको और अच्छा दिखाने के लिए. या एक्सेसरी तभी भी यूज़ किया जाता है जैसे कि भाई कार की एक्सेसरीज होती हैं, लाइक आप उसमें अगर एडिशनल चीज़ें लगवाते हैं. तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, इसका मतलब हो जाएगा भाई हेल्पर या असिस्टेंट. राइट, नंबर 25. दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन, कोई ऐसी चीज़, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे वो कहते हैं ना, वो नेता होता था ना जिसके विरोध में कोई नहीं लड़ता था, क्या कहते थे उसको, भूल गई मैं. कॉलेज में जब इलेक्शन होते थे ना, तो जब रिजल्ट आता था तो ऐसे होता था कि ना उसके कोई ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं था, तो उस नेता को कुछ कहते थे हिंदी में, याद नहीं आ रहा है मुझे भी. निर्दलीय तो शायद नहीं कहते थे, मतलब एक प्रकार से निर्विरोध, मतलब उसका कोई विरोध ही ना करे, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई ऑपोजिशन ही ना हो. वर्डिक्ट, यूनानिमस, अनअवेयर या फिर स्पॉन्टेनियस. सबको पता है भाई क्या होगा, एब्सोल्युटली भाई यूनानिमस होगा ना. यूनानिमस का मतलब क्या होता है, जब अपोजिशन होती नहीं है ना. अनअवेयर का मतलब है ना जानना, वर्डिक्ट का मतलब है भाई न्याय करना, जजमेंट करना. स्पॉन्टेनियस का मतलब है जब कोई भी चीज़ लाइक हमें अचानक से नेचुरली या फिर हमें कॉमनली समझ में आ जाए, सो स्पॉन्टेनियसली मैंने ये काम कर दिया, मतलब इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड, इट वॉज जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम. राइट, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. ठीक है जी, तो भाई देखो आज का आपका सवाल है मर्डर ऑफ अ मैन. कल मैंने आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया दीपक ने, मुसर्रफ ने, रूपा ने, NITP, यथार्थ, दीप्ति, अभिषेक एंड सुमित. सो वेरी गुड एवरीबडी, कंग्रेचुलेशंस, आपका जवाब बिल्कुल सही था. ये है आपका आज का होमवर्क कि मर्डरर ऑफ अ मैन को इनमें से क्या कहा जाता है. ठीक है, और भाई ये है मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, मर्डर ऑफ अ मैन को क्या कहते हैं, आप मुझे कहाँ बताएंगे इस वीडियो के कमेंट में. ये है गाइज मेरा SSC सीजल का स्पेशल बैच जो कि 19th of May से स्टार्ट हुआ है. अगर SSC के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है.
कोड लगा दीजिएगा Y172 ताकि आपको 57% का डिस्काउंट मिल जाए अगर आप ऐप से लेंगे तो, ठीक है। तो 57% का डिस्काउंट है, बहुत सारा है ये, ना। और देखिए क्या करना है आपको, वेट, नहीं, हमारा सवाल ये वाला था, मर्डर ऑफ ए मैन, ये नहीं है, गलती से है इसमें। गाइज देखो आपका बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है भाई रमज़ान का, एक ही सवाल करना है, दूसरा वाला नहीं करना है भाई, ठीक है। गाइज 57% का डिस्काउंट है, आपको क्या करना है, कोड लगाना है Y172 किसी भी प्रोडक्ट पर, तो आपको मिलेगा इतना सारा डिस्काउंट, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे, क्या कल पढ़ेंगे, idioms बहुत सारे, तो जितने भी लोग हैं सबको आना है, ठीक है। चलिए बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सभी लोग, एंड टाइम से आ जाएंगे हम भी जी, बिल्कुल, आप लोग तो आ ही जाते हैं, हम ही लेट हो जाते हैं ना 2-4 मिनट, ये सिस्टम भी हैंग हो गया। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।